क्या देश के लोगों को और देश की फोर्स को वो केवल जो छोड़ दिया गया है कि आप अपने आप में फैसला कर लीजिए कि कौन ताकतवर है, पुलिस किसानों को रोक पाती है तो पुलिस कामयाब, या किसान जो है वो अपनी ताकत लगा करके इन पुलिस के बैरिकेड को तोड़ करके वो आगे बढ़ सकते हैं तो किसान कामयाब, क्या ये पहली बार देश में देखा गया ड्रोन से जो आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं उन पे? कौन है वो किसान? और मोदी जी बड़े बड़े आंसू बहाते हैं किसानों के लिए, किसानों को मैं 6,000 रुपए महीना दे रहा हूँ, जिनका हक 6,00,000 रुपए साल का है उनको 6,000 रुपए दे रहे हो आप? शर्म नहीं? 100 फुट का ये पाइप है और इस पाइप से जहाँ पर जो है वो आंसू गैस का गोला डलेगा उसको प्रेशर से उसको डिफ्यूज करने का काम, बोरी से तो ये पुलिस की लाठियों खाने के लिए इस तरह से पक्की तैयारी जो फोर्स के लोग करते हैं उस तरह से पक्की तैयारी यहाँ पर किसानों की है कि आंसू गैस जब उधर से चलती है तो आंखें ही नहीं खुलती। हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल हेमंत आजाद में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों हम सब जानते हैं कि अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है दोबारा शुरू हुआ है दोबारा से, और जो किसानों के दो बड़े संगठन हैं, एक संयुक्त किसान मोर्चा और दूसरा है किसान मजदूर मोर्चा, तो उन्होंने अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का नारा दिया है, और संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को समस्त जो ग्रामीण है उसको बंद करने का आह्वान किया है एक दिन के लिए। तो दोस्तों 2 साल पहले दिल्ली के बॉर्डर पर हमने देखा था कि किसानों ने आंदोलन किया था और उनका आंदोलन इतना पावरफुल था कि सरकार को अपने 3 कानूनों को वापस लेना पड़ा और उन्हें वो सफल भी हुए और सरकार ने अपने 3 कानूनों को वापस ले लिया था। और इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद किसानों ने भी अपने आंदोलन को वापस ले लिया था, ख़त्म कर दिया था, और उस दौरान सरकार ने उन्हें MSP की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी गारंटी देने का वायदा किया था, और इसके साथ ही उनको कुछ और मांगों को भी पूरा करने का उनसे वादा किया था। तो दोस्तों किसान अब उन मांगों को मनवाने के लिए सरकार से दोबारा इस आंदोलन को कर रहे हैं। 13 फरवरी का जो उनका दिल्ली चलो का जो नारा है उनकी इस रणनीति का हिस्सा था, जो 13 फरवरी हम सब जानते हैं आपने न्यूज़ में देखा होगा किसान दिल्ली में एंट्री कर रहे हैं जगह जगह बॉर्डर से, और सरकार भी कितनी सख्ती से उनका सामना कर रही है आप जान रहे हैं, जो कि गलत है क्योंकि उनकी बातों को मानना चाहिए, क्या कह रहे हैं उनकी बातों को सुनना ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं, क्योंकि किसान अगर खेती नहीं करेंगे तो हम लोग खाएंगे कहाँ से। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि पहले पिछली बार किसानों की क्या मांगे थी, किसानों ने क्या मांगे रखी थी। तो दोस्तों पहले किसानों की मांगे थी कि किसानों को उनकी उपज के लिए MSP या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो नीति है उसको जारी रखा जाए और एक समिति का गठन किया जाए जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा का एक प्रतिनिधि भी उसमें शामिल किया जाए दोस्तों, और आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवारों को सरकार मुआवजा दे, और विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य या केंद्र सरकार ने जो किसानों के खिलाफ जो भी केस मुकदमे दर्ज किए उनको वापस ले सरकार, और पराली जलाने के मामले में किसानों को अपराधी नहीं ठहराया जाना चाहिए। और दोस्तों उस समय सरकार ने किसानों से क्या वायदे किए जो जिसकी वजह से आंदोलन समाप्त हो गया उस समय 2 साल पहले, तो सरकार ने वायदे किए थे, सरकार ने उनको वायदा किया था कि उनको MSP की गारंटी पूरी गारंटी दी जाएगी, और किसान आंदोलन के समय किसानों के खिलाफ जो मुकदमे हुए थे जगह जगह जहां मुकदमे हुए थे वो सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, और लखीमपुर खीरी की घटना जो हम सब जानते हैं वहाँ लोगों के परिवारों को जो जिनके घर में मौत हुई जो किसान ख़त्म हो गए उनके परिवारों को नौकरी और उनको 10-10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाना चाहिए, जो कि ये वायदे सरकार ने पूरे नहीं किए, और लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ, और इसी के विरोध में अब दोबारा किसान सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने उतर गए हैं। जैसा हम जानते हैं न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि किसान कितनी पूरी ताकत के साथ दोबारा अपनी मांगों को मनवा रहे हैं। तो दोस्तों ये किसानों के साथ सरकार ने चाल चली धोखा किया और उनकी जो बातें हैं जो वायदे हैं जो उनको नहीं माना, और इसीलिए जो किसान हैं वो दोबारा सड़क पर उतर गए हैं, दोबारा विरोध सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनकी मांगों को माना नहीं गया। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने उनसे जो वायदे किए वो पूरे नहीं हुए इसलिए वो फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं दोस्तों। तो यही कारण है कि
किसान दोबारा इस आंदोलन को शुरू कर रहे हैं और यही वजह है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें दोस्तों।